everybody, welcome back to my channel और मेरा नाम है Anjali cares और आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ 10 तरीके जो कि आप यूज कर सकते हैं घर बैठे पैसे कमाएं without any investment. Number one, freelance writer और content writer. ये तरीका उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके पास writing skills बहुत अच्छे हैं, जो कि अपने views जो हैं वो बहुत ही expressively लिख सकते हैं. और बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाएंगी, जैसे HubSpot.com है जो कि वेरी पॉपुलर इन यूनाइटेड स्टेट्स, और इंडिया में बहुत सारी ऐसी साइट्स मिल जाएंगी, जैसे फिटनेस साइट है कोई, मे बी फूड रेसिपी साइट है, बहुत सारी ऐसी साइट्स होंगी जिस पर लोग जो है कंटेंट राइटर के लिए आपको इनवाइट कर सकते हैं. मे बी आप उनको अप्रोच कर सकते हैं अगर आपके स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आप फूड में इंटरेस्ट रखते हैं, तो देन आप कोई भी अपना आर्टिकल लिखिए और उनको प्रेजेंट करिए. अगर उनको पसंद आता है तो दे विल गिव यू अ फ्रीलांस राइटर कॉन्ट्रैक्ट. नंबर टू, ट्रांसलेटर. सो ट्रांसलेटर का काम क्या होता है कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना. और इंडिया में तो लोग एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोलते ही हैं, मिनिमम दो लैंग्वेज तो हर किसी को आती ही है. अगर साउथ में जाओ तो लोगों को तीन तीन लैंग्वेजेस आती हैं. तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर कोई भी आपका कोई कंटेंट है, वीडियो कंटेंट है, आप उसको भी ट्रांसलेट कर सकते हैं और उसको आप ब्लॉग के तरीके में भी लिख सकते हैं और किसी को पिच कर सकते हैं कि हे, अगर आपका कोई कंटेंट है इंग्लिश में है और आपको हिंदी में उसको ट्रांसलेट कराना है, तो मैं अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकती हूँ. इवन इन दी कॉल सेंटर्स दे आर रियली इन डिमांड. सो आई थिंक ट्रांसलेटर इज रियली गुड अपॉर्चुनिटी. और इसके लिए बहुत सारी साइट्स हैं. राइट हियर यू कुड सी देयर आर सो मेनी साइट्स यू कुड गो एंड विजिट और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं एज अ ट्रांसलेटर. नंबर थ्री, ट्रांसक्रिप्शनिस्ट. सो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शनिस्ट क्या करते हैं, वो वीडियो और ऑडियो कंटेंट को रिटन कंटेंट में कन्वर्ट करते हैं. आपने बहुत सुना होगा मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, जो कि जिनके पास सर्टिफिकेशन होता है और जो कि एलिजिबल होते हैं, सर्टिफाइड होते हैं मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, द वीडियो और ऑडियो डॉक्यूमेंट्स को रिटन डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए. बट एक और जगह आप अपने ट्रांसक्रिप्शनिस्ट स्किल्स यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी सर्टिफिकेशन इज, एक अगर कोई आपके पास यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर है और आप उसको अप्रोच कर सकते हो और कह सकते हो कि मैं जो भी आपकी वीडियोस हैं मैं उनको रिटन में डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और उन कंटेंट पीसेस ऑफ कंटेंट को आप उसके ब्लॉग पर डाल सकते, तो आप एक्चुअली हेल्पिंग दैट यूट्यूबर. तो उसका भी एक स्कोप है. किसी भी तरह की आपको जॉब आप ढूंढ रहे हो वर्क फ्रॉम होम, आई एम श्योर यू विल फाइंड ऑन दोज साइट्स, fiverr.com एंड upwork.com. एक और साइट है freelancer.com, तो आप उस पर भी चेक कर सकते हैं. नंबर फोर, वर्चुअल असिस्टेंट. जो एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, उनके पास इतना बजट नहीं होता है, तो क्या होता है कि वो लोग सारा काम वो खुद ही करते हैं. लेकिन जब वो ग्रो करते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है कि वो खुद सारा कुछ देख नहीं सकते. तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप अगर आपके पास एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और सेक्रेटरी का एक्सपीरियंस है, और अगर आपको ईमेल, एक्सेल शीट्स और वर्ड की नॉलेज है, तो आप अपने स्किल्स जो हैं उस एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप और स्मॉल कंपनी को पिच कर सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई मैं आपके सारे मीटिंग्स और जो भी आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो मैं देख सकती हूँ या देख सकता हूँ. और अगेन जैसे अपवर्क और fiverr.com पे बहुत सारी आपको वर्चुअल असिस्टेंट वाली जॉब मिल जाएंगी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो उन साइट्स पे भी आप जाकर देख सकते हैं. नंबर फाइव, सोशल मीडिया मैनेजर. सोशल मीडिया जो है मेनली ऑनलाइन टाइप ऑफ वर्क है, तो आपको बहुत अच्छे चांसेस मिल जाते हैं यहाँ पे अपने स्किल्स पिच करने के लिए. अगर आपको लगता है कि आप सोशल मीडिया पे बहुत ही अच्छा काम कर लेते हैं और आपको मार्केटिंग करना आता है सोशल मीडिया पे, तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा. नेक्स्ट, वीडियो और फोटो एडिटर. अगर आपको लगता है कि आपकी मीडिया एडिटिंग, फोटो और वीडियो एडिटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो आप इस प्रोफेशन को भी कर सकते हैं फॉर समबडी एल्स. जैसे मेरी वीडियोज़ जो होती हैं, आई गेट इट एडिटेड बाई समबडी एल्स, सो दैट पर्सन इज एक्चुअली वर्किंग फ्रॉम होम. सो द नेक्स्ट इज बींग एन एनालिस्ट और अ कोड राइटर. सो फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि आप अपवर्क पे भी जाके देख सकते हैं कि बहुत सारी आपको फ्रीलांस जॉब मिल जाएंगी जो कि
कोड राइटिंग की होती हैं और मे बी रिपोर्ट राइटिंग की होती हैं, तो आप उन जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं. दोज आर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड यू कुड वर्क फ्रॉम होम एज वेल. सो द नेक्स्ट इज ट्रैवल प्लानर. यू नो पहले क्या होता था कि हम जाते थे किसी भी लोकेशन में, वो ट्रैवल एजेंसी होती थी और हम अपना ट्रैवलिंग का टिकट्स और प्लान बुक कराते थे. आप क्या कर सकते हैं कि आप भी ट्रैवलिंग एजेंसी ऑनलाइन आप अपनी खोल सकते हैं, और मे बी हो सकता है कि आप किसी और के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि दीज एजेंसीज गेट सो मच ऑफ लाइक ट्रैवल रिक्वेस्ट. Then you could be useful in that. If you are really like, you know destinations, you know about travel, you know about how to book tickets, where to find cheap tickets, तो ये option जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा. The next is Amazon Publishing. अगर आपके पास कोई idea है book लिखने का और अगर आप book लिखना चाहते हैं तो आप Amazon Publishing कर सकते हैं. Because बहुत सारे लोग जो हैं वो अगर आप ट्रेडिशनल वे में जाएंगे तो आपको पब्लिशर को अप्रोच करना पड़ेगा और उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है. बट अमेज़ॉन पब्लिशिंग में कॉस्ट जो है वो आप ज़ीरो कर सकते हैं, बिकॉज अमेज़ॉन के पास एक ऑप्शन है जो कि आप फ्री में ले सकते हैं और अमेज़ॉन आपको पर ट्रांजेक्शन फ़ी चार्ज करता है जब आपकी बुक कोई ख़रीदता है. तो Amazon Publishing is also known as self-publishing. तो आप वो भी कर सकते हैं. It's really good option for the people who want to write books. And अगर आपको लगता है कि आप health से related, fitness से related, और child care, mental health, जो भी है आप book लिखना चाहते हैं, I think that would be the good opportunity. उसके बाद में आप किसी publisher को approach कर सकते हैं अगर आप बड़े level पे जाना चाहते हैं तो. So that's a good option to make some money without any investment. The next two ones are the bonus options. अगर आपको job ऐसी चाहिए जो stable हो, ज़्यादा challenging नहीं हो, तो I think data entry बहुत ही अच्छी opportunity होगी आपके लिए. और उसमें आपके English, अगर English की data entry करनी तो इतनी ज़्यादा high fi English की भी ज़रूरत भी नहीं है. you don't even have to be fluent. बस जो भी आपको डॉक्यूमेंट मिले, जो भी आपके लिए असाइनमेंट मिले, उसको आपको डेटा एंट्री करना है इन अ सिस्टम और समवेयर, तो ये ऑप्शन आपको बहुत ही अच्छा होगा. द नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो SEO मार्केटिंग से रिलेटेड है. अगर आपको लगता है कि आप अच्छी मार्केटिंग करते हैं, आपके पास में आप किसी भी वेबसाइट का SEO इंक्रीज कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं, तो आपको SEO मैनेजर और SEO एनालिस्ट की पोजीशन मिल सकती है वर्क फ्रॉम होम. सो दिस इज़ अ रियली गुड ऑप्शन. आई होप ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आपको बहुत ही पसंद आए हो. अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है वर्क फ्रॉम होम रिलेटेड तो कॉमेंट डाउन बिलो. सो सब्सक्राइब राइट नाउ एंड शेयर एंड लाइक दिस वीडियो. ओके बाय.